सीटीडी पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई, ख्वारजी दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। सीटीडी हुकाम का कहना है कि 10 ख्वारजी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्द पंजाब में बड़े पैमाने पर तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर चुके थे। सीटीडी एलीट फोर्स के तमाम जवान महफूज रहे। आईजी पंजाब कहते हैं दहशतगर्दों के अजायम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। सीटीडी हैदराबाद की जाम शोरों में कार्रवाई, कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त यूनुस खान के नाम से हुई, असलहा बरामद। बानी पीटीए की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा, कुछ देर बनीगाला में कयाम किया, लाहौर जाने के बजाय पेशावर पहुंच गईं। पीटीए की मरकजी लीडरशिप ने पेशावर जाने के लिए कायल किया। जराए के मुताबिक लाहौर जाने पर तहफ़ुज़ात से आगाह किया। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हुई थी। तर्जुमान के पी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी पेशावर खैरियत से पहुँच गई हैं, कुछ अरसे के लिए पेशावर में ही कयाम करेंगी। आप पेशावर चली जाएं, लाहौर में आपको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या मसला है, मैं लाहौर ही जाऊंगी। रहनुमा पीटीए उमर अयूब और बुशरा बीबी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। उमर अयूब ने बुशरा बीबी को समझाया कि आपके लिए पेशावर जाना बेहतर है, लेकिन वो बजिद रहीं। जवाब दिया कि मैं लाहौर में अहले खाना के साथ ही रहूँगी, मैं जाने से पहले चेकअप करवाना चाहती हूँ। आप सबको हमारी तकलीफ का एहसास नहीं, आप लोगों के लिए ओहदे अहम हैं। जिसके बाद उमर अयूब गुस्से से हॉल से बाहर निकल आए। बानी पीटीए के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील, जल्द मुकर्रर करने की मुतफरक दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में अपील 29 अक्टूबर को सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीए के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। कोई डील नहीं हुई, डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो कुछ हुआ मेरिट पर हुआ। बानी पे दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया, कानून की पासदारी होगी, बानी पीटीए की जल्द रिहाई होगी। पीटीए में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। साहब जो है उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। बानी पीटीए का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार, वकला ने मुलाकात के बाद बताया आईडी तरमीम जिस अंदाज में पास हुई उस पर बानी ने अफसोस का इजहार किया। फैसल चौधरी ने बताया बानी को 6x8 के सेल में रखा गया है, इस रवैये की मजम्मत करता हूं, आज पटिशन दायर करूंगा। बानी तमाम मुसीबतों के बावजूद आवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। पहले बता दिया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस भी नया नहीं बना, वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। 26 अक्टूबर से बानी पीटीए से जेल में रेगुलर मुलाकातें भी होंगी। फॉर्म से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनीपाथ का जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर श्रीलंकन फिजाइया राजा पॉक्से की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी दिफाई तावन बढ़ाने के अज़्म का यादा। जनरल साहिर शमशाद ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंकन एयर मार्शल ने पाक अफवाज के पेशावराना मायार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की।
जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार पहले भी लिखा था। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोर का कॉल भी नकल किया गया है। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बरदारी का शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से हफ्ते की सुबह 11 बजे हल्फ लेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के मेहमानों की फहरिस्त भी भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वज़रा आला गवर्नर शिरकत करेंगे। वज़रा आला अस्करी, वकला और सिविल क़यादत भी तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत करेगी। दोस्त ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, हाई कमिश्नर्स, अरकान कौमी असम्बली और सैनेट भी मदऊ। उन्नीस सौ तिहत्तर का आयन पास हुआ तो इस पर भी तनकीद की गई। 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो भी तनकीद की गई। वही लोग अब इस तरमीम पर भी तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा जो इख्तियार आइनी अदालत को मिलने थे वो तो आइनी बेंच को मिल गए। अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। आइनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की, और अगर मुखालिफत जो है वो अगर उन्होंने की है तो मुकम्मल इत्तेफाक किस बात से कर रहे थे, तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है। पीटीए ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया। अगर पीटीए का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक था तो वोट क्यों नहीं दिया? अगर कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लगता है आईनी तरमीम के मामले पर पीटीए वाले ट्रैप हुए। पीटीएम ने मुल्क के अदालती निजाम को तबाह कर दिया। हम आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी पीटीए की रिहाई के लिए सदर बाइडन को खत लिख दिया। सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा, कहा पाकिस्तानी हुकूमत से बानी की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सिफारतकार जेल में मुलाकात करें। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पर तबसरे को सिफारती आदाब के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम से मुमासलत नहीं रखते। बिजली के साफीन को रिलीफ, नापरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी अगस्त की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नापरा का नोटिफिकेशन जारी जिसके मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ साफीन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। जिन साफीन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें ये रिलीफ नवम्बर के बिलों में मिलेगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक साफीन पर नहीं होगा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह 89,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के आगाज पर डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 277.70 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्जा फराहम करने का ऐलान। वजारत खजाना का बताना है कि कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन वफ से मुलाकात। वजीर खजाना ने माहदे के तहत 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा पीआईए की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया। असासा जात की जांच पड़ताल की वजह से निजकारी के अमल में ताखीर हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खवारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 9 खवारजी दहशतगर्द जहानुम बासर, मारे जाने वाले खवारजियों में 2 खुदकुश बम्बार और इंतहाई मतलूब खारजी सरगना सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। यूएन करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर की क़यादत 30 साल से जेल में है।
हुर्रियत रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल से गुरेजा है। भारत ने फौजी मश को इंतखाबात का नाम दिया। मानसहरा में मकान की दीवार गिरने से दो बच्चे जाबहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराए ने बताया जाबहक होने वालों में दो भाई समीउल्लाह और अब्दुल्ला शामिल। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों की डेड बॉडीज और जख्मी को निकाला। सिंध में रवा साल सख्त गजीदगी के 2,26,000 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल 12 शहरी कुत्तों के काटने से इंतकाल कर गए। तिब्बी माहरीन के मुताबिक कुत्ते के काटने पर फौरी 15 मिनट तक साबुन से मुतासरा जगह को धोना चाहिए। में तकरीबन हर गली में एक या दो घरों में मुर्गे पले हुए हैं जो इलीगल हैं और पूरी रात जगाते हैं। तो मैंने एक पहले भी पिटीशन इसी किस्म की एक डाली थी, इसी तरह मैंने दोबारा पिटीशन डाली है। सिंध हाई कोर्ट में मुर्गों की कुकड़कुओं की गूंज, पड़ोसी के मुर्गे बहुत शोर करते हैं। खातून की अदालत में दरख्वास्त, बताया मुर्गे साहब दिन रात का सोचे बगैर शोर शराबा करते हैं। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के लेफ्टिनेंट को घर में मुर्गे मुर्गियां पालने से मुताले कवायद और जवाबित बनाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर शहर को महफूज बनाने का अज़्म। पंजाब का चौथा शहर शेखपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। दो हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फ़ाल करने का हुक्म। MG सेफ सिटी ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले भारतीय मुसाफिर तैयारी में बम की इतला। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कराची रीजन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भारतीय कप्तान से रेडियो कम्युनिकेशन। भारतीय तैयारी के कप्तान ने कहा मैं परवाज को हैंडल कर लूंगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान की रहनुमाई करते हुए तैयारी को पाकिस्तानी हदूद से गुजारा। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए हैं। इसकी जानिब से जबालिया, नसीरात कैंप, खान यूनुस और रफा में टैंकों की शेलिंग की गई। नसीरात में स्कूल कैंप पर इसराइली हमले में 11 माह के बच्चे समेत 17 फलस्तीनी शहीद जबकि 32 जख्मी हुए। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली हमलों में तेजी पर इजहार तशवीश करते हुए शहरियों का तहफ्फुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सुपर पावर अमेरिका के सदारती इंतखाबात में चंद रोज रह गए। दो हैवी वेट्स के दरमियान 5 नवंबर को कड़ा मुकाबला होगा। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप में घुमसान का रन पड़ेगा। सदारती कुर्सी हासिल करने के लिए दोनों उम्मीदवारों की ताबड़तोड़ इंतखाबी मुहिम जारी। ट्रंप ने एरिजोना और नेवाडा में मस्कन बना लिया। कैमला हैरिस जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स रैली में शिरकत करेंगी और वोटर्स का लहू गरमाएंगी। पिंडी टेस्ट के पहले दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब 14 और 16 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान टेस्ट के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। शान मसूद 16, सऊद शकील 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान ने 6, नोमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जाहिद महमूद ने 1 शिकार किया। विकेट लेकर कबड्डी स्टाइल में जश्न मनाने का साजिद खान का अंदाज क्रिकेट वर्ल्ड में छा गया। शौर-ए-आफाक खिलाड़ियों ने अपने ही ब्रश स्टाइल से दुनिया क्रिकेट का हुस्न मजीद बढ़ाया। शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर ने अपने स्टाइल से आलमगीर शोहरत पाई। मिसबाहुल हक को भी अपने अंदाज पर खूब दाद मिली। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों के लिए 15 रुकनी भारतीय फाइटर्स का दस्ता वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। 5 भारत फाइटर्स के दरमियान मुकाबले 27 अक्टूबर को लाहौर में होंगे। मेहमानों का इस्तकबाल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा ने किया। मीडिया से गुफ्तगु में कहा दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के जरिए भाईचारे और दोस्ती को फरोग मिलेगा।
मतलब इंतहाई जुल्म की इंतहा हो रही है। और इस दफ़ा भी हमने सोचा कि भाई हम लोग जो है फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए जाते हैं। फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए कोयटा के साइकिलिस्ट ने अपनाया अनोखा अंदाज। कोयटा से लाहौर तक साइकिल रैली का आगाज। 3 साइकिलिस्ट 950 किलोमीटर का फासला तय करके फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी आवाम को फलस्तीन में होने वाले मजालिम से आगाह करेंगे। अपर हुंजा का कदीम गांव, जहां नए तामीरात और ज़माने की तब्दीली के साथ होती रही हैं, पर यहां के मकीनों ने दादा के नाम से मशहूर घर, जिसकी तारीख 900 साल पुरानी थी, उसकी बोसीदा हालत देखकर तारीखी वरसे को महफूज करने वाले गैर सरकारी इदारे से रुजू किया। गैर मुल्की माली मुआवना से ये घर अपने कदीम तर्ज तामीर की सूरत में ही नया बन गया, तो अचालिया सफारत खाने के आला अहदेदारान ने बाजाबता इफ्तिताह किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल भरपूर रंगीनियों के साथ जारी। फेस्टिवल के 29वें रोज़ अरब इमारात के सकाफती रंग छा गए। यूएई का खसूसी सकाफती खैमा सजाया गया, जहां अरबी सकाफत के रंग नुमाया थे। एक जानब अरबी रिवायती खानों ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, वहीं अरबी तलवारों के रिवायती रक्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। और ज़िंदगी के तल्ख हकीकतों पर मबनी बोल एंटरटेनमेंट का ड्रामा, अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए दूसरे का हंसता बसता घर उजाड़ने वाली शादो खाली हाथ रह गई। बाला की बात मानने के बावजूद शादो को उसकी जुदाई का दुख उठाना पड़ा। सुमेरा और रजा को नाकर्दा जुर्म की सज़ा भुगतना पड़ी। बोल कहानी देखें आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।